हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं पांच मिथ्स के बारे में जो बैंक एग्जाम के रिलेटेड बनी हुई होती हैं। अंदर डर सा बैठा हुआ है ना, उस बारे में मैंने सोचा मेरे को भी एक वीडियो बनाना चाहिए। और एस्पिरेंट्स के मन से डर निकालने भी बहुत ज़रूरी है, तो इन मिथ्स के बारे में आज ये वीडियो है। बोर्ड पर लिख के आपको बताऊँगा और मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है तो उसके लिए आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मिथ की तरफ आते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले ये है कि टॉपर्स का खेल है ये, ठीक है। टॉपर्स का मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, TOPPRS लिख देता हूँ, टॉपर्स का खेल। एंड जैसा कि मैंने कहा मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है तो इसलिए मैं बड़ा बड़ा लिखता हूँ, टॉपर्स का खेल। बैंक एग्ज़ाम्स टॉपर्स का खेल है, ये एक बहुत ही बड़ा मिथ है कि जो स्कूल टाइम से बहुत अच्छा पढ़ाई में था या कॉलेज टाइम से बहुत अच्छा पढ़ाई में था केवल वही बैंक एग्ज़ाम या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप में से जो भी बंदा मेहनत करता है वो आराम से एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है, बशर्ते उसने स्कूल में मेहनत करी हो या ना करी हो, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं यहाँ पे अपना खुद का एग्ज़ाम्पल आपको दे सकता हूँ क्योंकि मैंने खुद भी स्कूल कॉलेज में बिल्कुल भी मेहनत नहीं करी। स्कूल में मेरी परसेंटेज थी 55, कॉलेज में मेरी परसेंटेज थी 50.27 एंड मैं जनरल कैटेगरी से ही बिलोंग करता हूँ एंड मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर करा। ज़िंदगी में कभी भी टॉपर नहीं रहा हूँ, अपने बचपन में एवरेज था, बड़े होते होते बिलो एवरेज हो गया। तो इसके बावजूद भी मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर किया। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि टॉपर्स का खेल है, जो बंदा मेहनत करता है ये उसका खेल है। अगर आपको मेहनत करनी आती है तो ये बिल्कुल आपका खेल है, अगर आपको मेहनत करनी नहीं आती तो अभी इस खेल से बाहर आ जाओ, आपके बस का ये खेल नहीं है। अगर आप मेहनत कर सकते हो तो ही ये खेल आपका खेल है, ठीक है। तो पहली मिथ तो मैंने ये क्लियर कर दी कि ये टॉपर्स का खेल है, ये मिथ जो बनी हुई है लोगों के बीच की एग्ज़ाम के उन्हीं लोगों का निकलता है जो बचपन से बहुत तेज़ होते हैं, तो ये बहुत बड़ी मिथ है। सेकंड मिथ की तरफ चलते हैं जो कि होने वाला है कि मैथ्स होनी चाहिए। मैथ्स का होनी चाहिए नहीं लिख रहा मैं, मैथ्स में क्या डर है लोगों का कि मैथ्स हमारी होनी चाहिए तभी हमारा एग्ज़ाम क्लियर होगा। होनी चाहिए से क्या मतलब है, 11th 12th में मैथ्स होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से बंदे ये करते हैं 10th के बाद मैथ्स छोड़ देते हैं और उनकी मैथ्स नहीं होती। बहुत से बंदों को मैं ऐसे जानता हूँ जिनके पास मैथ्स नहीं थी 11th 12th में और उनका ये एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। अपनी बात करूँ तो मेरे पास 11th 12th में मैथ्स थी, लेकिन सच में बताऊँ मेरे 11th 12th की मैथ्स में 50 मार्क्स भी नहीं आए, दोनों टाइम 50 मार्क्स भी नहीं आए। तो मैथ्स होने के बाद भी मैथ्स ना होने जैसा ही सीन था यहाँ पे, मतलब मैथ्स थी फिर भी ना होने के बराबर है ना, 50 नंबर भी नहीं आ रहे। बोर्ड में मेरे ख्याल से 51 मार्क्स थे मैथ्स में 12th के बोर्ड में, तो इतने कम मार्क्स मेरे मैथ्स में आए फिर भी मैंने एग्ज़ाम क्लियर करा। ऐसा क्यों? क्योंकि बैंक के एग्ज़ाम में आपकी जो मैथ्स आती है वो 10th तक लेवल की आती है, ठीक है। 10th लेवल तक की, मतलब सिलेबस 10th तक का होता है, ये नहीं कि उसी लेवल के क्वेश्चंस भी आएंगे। क्वेश्चंस बहुत कैलकुलेटिव आते हैं, काफ़ी टफ आते हैं, लेकिन आपका सिलेबस यहीं तक का होता है, ठीक है। तो अगर आपने 10th तक चाहे ढंग से पढ़ा है चाहे नहीं पढ़ा है, आपको मैंने क्या बताया, ये आपने चाहे पहले ढंग से पढ़ा है नहीं पढ़ा है, आप बाद में हर चीज़ को कोप कर सकते हो। तो यही सब सीन है यहाँ पे, आपकी चाहे मैथ्स है या नहीं है कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, आप इस एग्ज़ाम को ईजिली क्रैक कर सकते हो अगर आप मेहनत करते हो। सेकेंड पॉइंट में वही बात है, बॉयल डाउन टू मेहनत, जो जितनी मेहनत करेगा वो उतना आगे बढ़ता जाएगा। थर्ड पॉइंट लिखने के लिए जगह नहीं है, थोड़ा सा रब कर देता हूँ। थर्ड पॉइंट जो है वो है कोचिंग, ठीक है। कोचिंग, बहुत से बंदे क्या सोचते हैं कि एग्ज़ाम क्रैक करना है ना तो कोचिंग लेनी ही पड़ेगी, कोई बहुत महंगी कोचिंग लगानी पड़ेगी ना। पहली बात, क्या कोचिंग से हमें कोई भी हेल्प मिलती है? नो डाउट हमें हेल्प मिलती है अगर हमारी कोचिंग अच्छी हो तो। तो अगर ये बोलना कि कोचिंग बेकार है तो ये बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सिर्फ कोचिंग से ही एग्ज़ाम क्लियर होता है ऐसा भी नहीं है। मेरे साथ के 180 लोगों के बैच में से मुश्किल से 70-80 लोग थे जिन्होंने कोचिंग ली होगी, उतनों ने भी नहीं ली थी। मुश्किल से 50-60 लोगों ने, 50-60 कर देते हैं इसे, मुश्किल से 50-60 लोग थे जिन्होंने कोचिंग ले रखी थी, उसके अलावा किसी ने भी कोचिंग नहीं ली थी। अपना बताऊं तो मैंने कोचिंग ली थी, लेकिन वहां भी हम सेल्फ स्टडी ही करते थे। तो ये बोलना बिल्कुल बेकार बात है, ये सिर्फ कोचिंग से लेके ही आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि कोचिंग लेना कोई बुरी बात है, अगर आप लेते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, अगर घर पर नहीं पढ़ सकते तो आप कोचिंग ले सकते हैं ना। अब लोग कहते हैं यार कोचिंग की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर आप घर पे खुद से पढ़ सकते हो तो खुद से बिल्कुल पढ़ सकते हैं। आपको 800-900 रुपए का गाइडली का बंडल PDF कोर्स मिल जाता है जिसमें आपके 40-50 हज़ार या 80 हज़ार तक के क्वेश्चंस होते हैं, केवल 800-900 रुपए का वो कोर्स है। उसमें मेरा कोड यूज़ करेंगे SID SID तो आपको 12% ऑफ भी मिल जाएगा, ठीक है। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ये पार्टनर्स हैं इस वीडियो के। तो अगर आप चाहें तो 800-900 रुपए मात्र में आप लगभग 80-90 हज़ार तक क्वेश्चन ले सकते हैं
और उसमें कोड यूज कीजिए SID, सिड, जिससे कि आपको ऑफ मिल जाएगा। तो सेकंड पॉइंट जो था कोचिंग, वो यहाँ पे खत्म होता है। आप ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं इजीली, अगर आपको कोचिंग ज्वाइन करनी ही है, आपको अपने आप से नहीं होता तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई उसमें बुरी बात नहीं है। और अगर नहीं कर सकते तो 800-900 रुपए में आपका गाइडली बंडल PDF कोर्स आ जाएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और एक और चीज आपको बता दूं, गाइडली बंडल PDF कोर्स का Day 1 फ्री होता है, इसका Day 1 जो है हमेशा फ्री रहता है, तो एक बार जाकर ट्राई कर सकते हो, अगर अच्छा लगता है तो उसको परचेज कर सकते हो। नाउ चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं, अरिथमेटिक के बिना एग्जाम क्लियर। ये बहुत बंदे बोलते हैं कि अरिथमेटिक के बिना क्या एग्जाम क्लियर हो जाएगा, और बहुत से बंदे बोलते हैं हाँ अरिथमेटिक की जरूरत ही नहीं है, एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो ये एक ऐसा मिथ है जो लोगों को ओवर कॉन्फिडेंट रखता है, लेकिन इस चीज को कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में मत लो। अरिथमेटिक के बिना आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता। आप चाहे तो प्रीलिम्स क्लियर कर लोगे, प्रीलिम्स आपको हो सकता है क्लियर हो जाए, लेकिन अगर आपको मेंस क्लियर करना है तो आपको अर्थमेटिक को ध्यान देना ही पड़ेगा। प्रीलिम्स आपका इसलिए क्लियर हो जाएगा क्योंकि मैथ्स में 25 क्वेश्चन आप विदाउट अर्थमेटिक कर सकते हैं, 20 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन बीच में, कभी कभी 22-23 भी होते हैं, ठीक है। तो 20 से 25 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, अर्थमेटिक के 1-2 क्वेश्चन आप कर ही लेंगे। लेकिन अगर आपको मेंस क्लियर करना है तो मेंस में आपको अर्थमेटिक की पकड़ मजबूत होनी चाहिए। आपके डेटा इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी अर्थमेटिक बेस्ड आते हैं, तो अगर आपको ये क्वेश्चंस करने हैं तो आपको ऑब्वियसली अर्थमेटिक की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अगर आपकी वीक है तो उसको मेहनत करके अच्छा करो, उसको छोड़ना कोई भी आपका सोल्यूशन नहीं है, आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा अगर आपने ये चीज़ छोड़ दी। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, इसको मिथ भी कहना मिस्टेक बोलूँगा, जो कि लोग करते हैं कि अर्थमेटिक को छोड़ के बैठ जाते हैं। चलो प्रीलिम्स में आपने छोड़ दिया, लेकिन इसकी आंख रोज मेरे खोपड़ी में गिरता है। ओके, बैक टू द वीडियो। तो ये एक बहुत बड़ी मिथ है, मतलब मिस्टेक है। अगर आप अर्थमेटिक के बिना सोचते हैं कि एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको अर्थमेटिक पढ़ना ही पढ़ना है। तो जिसको भी एग्जाम क्लियर करना है, आज के बाद ये बात दोबारा मत बोलिएगा। नाउ फाइनल मिथ की तरफ चलते हैं। देखो दो टाइप के बंदे ना बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, उनमें से एक होते हैं बीटेक वाले और एक होते हैं नॉन बीटेक वाले, ठीक है। इन दोनों ही बंदों में ना एक चीज कॉमन होती है, वो होता है डाउट करना खुद को और दूसरे को बेटर बताना। मेरी दोनों ही टाइप के बंदों से बात हुई है। बीटेक वाले बोलते हैं कि यार नॉन बीटेक वाले बंदे जो है ना, कॉमर्स वाले बंदे, वो क्या बोलते हैं, मतलब पढ़ाई करते रहते हैं, वो बैंक एग्जाम की कोचिंग वगैरह लेके हर चीज में बेटर हो जाते हैं और उनका एग्जाम क्लियर होता है, हम उनके आगे कुछ नहीं है। वैसे ही नॉन बीटेक वाले बंदे बोलते हैं ईट वगैरह की तैयारी करते रहते हैं तो इनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है, हम इनके आगे कुछ नहीं है। सेम गेम ना इन लोगों का चलता रहता है आपस में, ये बोलते हैं कि वो बेटर है, वो बोलते हैं ये बेटर है। दोनों ही अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। मैं नॉन बीटेक बैकग्राउंड का हूँ, मेरे साथ के बहुत सारे बीटेक बैकग्राउंड वाले भी हैं, एंड आराम से इसका भी एग्जाम क्लियर होता है और इसका भी एग्जाम क्लियर होता है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसका एग्जाम क्लियर नहीं होता, जो पढ़ाई करता है उसका एग्जाम जरूर क्लियर होता है। तो ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि जो बीटेक वाले बंदे हैं उनका एग्जाम क्लियर होता है, और बीटेक वाले सोचते हैं कि जो दूसरे नॉन बीटेक वाले हैं उनका एग्जाम क्लियर होता है। दोनों के दोनों दिमाग से ये बात निकाल दो कि हम उसके आगे कुछ नहीं है, तुम अच्छे हो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, तुम्हारा एग्जाम जरूर क्लियर होगा, ठीक है। तो हाँ, इस वीडियो में कोई इतनी ही बात करनी थी आप लोगों से, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। बाकी अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, कुछ सीखने को मिला हो, आपको लगता है चैनल सब्सक्राइब करने योग्य है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, एंड अगर बुरा लगा हो तो डिसलाइक कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।